Hello students, welcome to Adarsh classes. And today we will do question number 4, exercise 5.2. Okay, so let's start it. What part of a revolution have you turned through if you stand facing east and turn clockwise to face north? कह रहा है कि अगर आप ईस्ट में खड़े हैं और क्लॉक वाइज टर्न लेते हैं और नॉर्थ पे आपका फेस होता है तो बताइए कि आप कितना डिग्री गए, यानी कि इसमें हमें क्या फाइंड करना है. सो इसमें हमें फाइंड करना है फ्रैक्शन. इसलिए क्वेश्चंस में हमें क्या फाइंड करना था, तो उसमें हमको फाइंड करना था डायरेक्शन. ठीक है, इसमें क्या फाइंड करना है, नाउ वी हैव टू फाइंड फ्रैक्शन. ओके, सो चलिए देखते हैं. नॉर्थ है, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. ठीक, कह रहा है कि ईस्ट में फेस करके खड़ा है, ईस्ट में फेस करके खड़ा है और क्लॉक वाइज टर्न करता है. कैसे? क्लॉक वाइज टर्न करके कहाँ कह रहा है, नॉर्थ पर. सो देखिए ये क्या है, दिस इज ईस्ट. ठीक है, यहाँ पे वो खड़ा है, कोई बंदा है खड़ा है. अब यहाँ पे यहाँ से ये टर्न करता है, कहाँ तक जाना है इसको, नॉर्थ तक. सो नॉर्थ तक जा रहा है, तो यहाँ पे हम क्लियर देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है कितना डिग्री का एंगल बना रहा है. देखिए ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है. ठीक है, तो अब क्लियर है कि उन्होंने कितना डिग्री लिया है, क्योंकि होल कितना है इसका, कंप्लीट रेवोल्यूशन कितना है, 360 का. चलिए देखते हैं, अगर ये कंप्लीट रेवोल्यूशन 360 का है, 360 का है और 90 उनको रेस्ट करना है, छोड़ना है, 90 उनको नहीं लेना है. हम लोग 90 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे. 90 को जैसे हम लोग माइनस कर देते हैं क्या आता है, वी हैव टू 270. अब वो ये जो पूरा एंगल है जितना उसने कवर किया और अब उसका फेस जो फेस है नॉर्थ में है, तो ये पूरा का पूरा कितना है, 260. ठीक है, अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिए टोटल कितने का है, 270 का है. होल से करेंगे तो होल कितना है, 360 है. जैसे ही इसको कैंसिल करेंगे क्या होगा, 394. ठीक है, तो हमारा फ्रैक्शन कितने का आएगा, 3/4 का आ जाएगा. बस यही कह रहा है कि अगर वो क्लॉक वाइज जाएगा नॉर्थ तक तो कितने का एंगल बनाता है, फ्रैक्शन क्या है. देखिए फ्रैक्शन हमें निकालना था और फ्रैक्शन इसका क्या हो रहा है, 3/4 हो रहा है. ओके, कम टू द बी क्वेश्चन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर सी क्या कह रहा है कि इफ यू स्टैंड फेसिंग साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट. सिमिलर है, आइए देखते हैं, सिमिलर क्वेश्चन है. इस बार साउथ की तरफ फेस करके खड़ा था और टर्न करके कहां पहुंच रहा है, ईस्ट पे पहुंच रहा है. ठीक है, सिमिलरली नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. ठीक है, कहां खड़ा है, साउथ की तरफ फेस करके खड़ा था वो बंदा. ठीक है, साउथ की तरफ वो खड़ा था. जा कहाँ तक रहा है, ईस्ट. तो देखिए यहाँ से ईस्ट हो यहाँ पे खड़ा है, क्लॉक वाइज जाएगा तो क्लॉक वाइज कैसे जाएगा, है ना, क्लॉक वाइज जाएगा, क्लॉक वाइज जाएगा तो वो ईस्ट पहुंच जाएगा. चला गया, साउथ में खड़ा था, क्लॉक वाइज गया है, ईस्ट पे जाना था इसको. अब इसका फेस कहाँ है, ईस्ट पे है. ये क्लियरली दिख रहा है कितने का एंगल है, ये 90 का है. सिमिलर प्रोसेस करेंगे, 360 माइनस 90. वी गेट 270 डिग्री. ये 270 का एंगल हमको मिल पाता है यहाँ से,
अब हम क्या करेंगे, सिमिलर करेंगे 270 डिग्री का 360 से डिवाइड करेंगे, 0 to 0 कैंसिल करेंगे, 3 आएगा, उसको कैंसिल करेंगे 4 आएगा, हमारा आंसर क्या बन रहा है 3:4। सिमिलर आंसर है ना, इस बार कितने का वो फ्रैक्शन बना रहा है 3:4 का बना रहा है, पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है और पिछले क्वेश्चन के जैसा ही आंसर है। आई होप कि समझ में आ रहा है। कम टू द क्वेश्चन नंबर सी। ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर सी। सी में क्या कह रहा है कि वेस्ट से चलता है, कहाँ पर स्टैंड कर रहा है फेस करके, वेस्ट पे। अगर वेस्ट पे वो फेस करके खड़ा है, क्लॉकवाइज जा रहा है और ईस्ट कवर कर रहा है, ईस्ट तक पहुंच रहा है, तो कौन सा फ्रैक्शन बनेगा? देखिए, नॉर्थ है, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। अभी फिलहाल उसका फेस कहाँ है, उस बंदे का फेस फिलहाल वेस्ट में है, ठीक, वेस्ट में है। वो चलते चलते जा रहा है, टर्न करते करते कहाँ आ गया, ईस्ट तक आ गया, ठीक है, क्लियर, पता चल रहा है। कौन सा एंगल है, 180 का है, पिछले क्लासेस में हमने डिस्कस किया है इसको बार बार, 180 का वो एंगल बना रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ से टर्न करके वो कहाँ चला गया, ईस्ट में चला गया, 180 का बना रहा है, तो इसमें तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है। 180 इंटू पूरे का कितना है रिवोल्यूशन, 360 है, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 18 to 0 कितना आएगा हमारा फ्रैक्शन, 1.2 का आएगा, और यही क्या हो जाएगा, इट विल बी आवर आंसर। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।